सुहेला वो नफीसा को तस्वीरें दिखाऊं, पहचानती हूँ इसे? सर ज़्यादा नहीं, बस इतना कि बहुत बड़ा जागीरदार है ये, और एक साल पहले शायद इसकी बीवी की डेथ हो गई थी। तुमने उसका इंटरव्यू करना है। मैं उस्मानी साहब से वादा कर चुकी हूँ, और वैसे भी सरदार पैलेस कोई जेल खाना तो है नहीं जो आप इतनी परेशान हो रही है। प्लीज प्लीज पी लीजिए। ओके, इजाजत मिली या नहीं? जी इजाजत तो मिल गई है, मगर नीम दिली से। सरदार साहब का कहना है कि उन्होंने ऐसी कोई इजाजत नहीं दी, लेकिन अब रात हो चुकी है, सुबह देखा जाएगा। बाहर आने जाने से पहले मिसेस मलिक को जरूर मुत्तला करें। मिसेस मलिक का कहना है कि तुम हमारी लाइब्रेरी भी देखना चाहती हो। अगर इजाजत हो तो। कुछ खास किताबों की तलाश में लगती हो। मुझे पूरा यकीन है कि आपकी लाइब्रेरी से मुझे कुछ ऐसी किताबें मिल जाएंगी जो और कहीं नहीं मिलेंगी। इसे लाइब्रेरी दिखा देना। लाइब्रेरी का रास्ता इस तरफ है, वहां जाने की किसी को इजाजत नहीं। सरदार आफताब अली खान से अभी तक एक सरसरी सी मुलाकात हुई है, जैसे ही कोई और बात लिखने के काबिल होगी मैं आपको ईमेल कर दूंगी। किसी खास कमरे के मुतल्लिक कोई सवाल किया उसने? जी नहीं सरदार साहब। तो फिर उसका अपना तरीका होगा कोई काम करने का। बीबी जी, नाम क्या है तुम्हारा? अब्दुल। सरदार साहब ने मुझे कहा हुआ है कि जहाँ मेरा दिल चाहे और जितनी देर चाहे मैं बैठ के बांसुरी बजा सकता हूँ। तुम आज सुबह मगरबी हिस्से में क्या कर रही थी? तस्वीरें खींच रही थी। बहरहाल आइंदा तुम वहां मत जाना। ये जो उसने एक औरत की सिसकियां लेकर रोने की आवाज का जिक्र किया है, मेरे ख्याल में इसके पीछे कोई बात है। जी सर, ऐसे घरों में तो अक्सर यहाँ तक होता है कि किसी औरत की मौत का ऐलान कर देते हैं, लोगों की नज़रों में उसे दफना भी देते हैं, मगर वो जिंदा होती है किसी काल कोठरी में बंद। लेकिन सर हमें एक बात नहीं भूलनी चाहिए कि नफीसा के सर में अक्सर दर्द उठता है और उसे तरह तरह की आवाज़ें सुनाई देने लगती हैं। शी हैज साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम्स। तुम्हें किसने कहा है? इसका जिक्र वो खुद कई बार कर चुकी है सर। लेकिन उसने जो किताबों के बारे में बात की है वो तो सुनो। नफीसा ने लिखा है कि बहुत सी किताबों पर लगे हुए निशानात इस अमर के गवाह हैं कि उसने मोहब्बत के बारे में पढ़ा तो बहुत है लेकिन लिखा कुछ भी नहीं, और उसके नावलों में भी मोहब्बत के मनाजिर ना होने के बराबर ही है। मेरे ख्याल में ये एक नहायत अहम नुक्ता है। ये उसकी शख्सियत के उन पहलुओं से पर्दा उठा सकता है जो पहले कभी लोगों की नजर में नहीं आए। ठीक है स्वेन, तुम उन सब ईमेल्स के प्रिंट निकलवाओ और एक फाइल में लगा लो, लगता है आज नहीं तो कल उनकी जरूरत पड़ेगी। यार रख दो। बस बहुत शुक्रिया, मैं कर लूँगी। थैंक यू। लो यहाँ क्या करो तुम अपनी फोटोग्राफी, मेरे ख्याल में ये जगह तुम्हारे लिए बिल्कुल ठीक रहेगी। वैसे भी तुम तो यहाँ आती रहती हो। जी मगर क्यों? बस ये देखने के लिए कि इन तमाम कब्रों में क्या सारी कब्रें मुर्दा हैं या कोई एक कब्र जिंदा भी है। क्या मतलब है तुम्हारा? क्या कब्रें भी कभी जिंदा होती हैं? हो सकती हैं। और कैसी होती हैं वो? सूफिया कराम की जैसी और दुनिया के बहुत से मशहूर और अहम लोगों के जैसे।
तो यहाँ क्या पाया तुमने? यहाँ एक कब्र है जो शायद अभी पूरी तरह से मुर्दा नहीं हुई। और कहाँ है वो? उस तरफ। तुम्हारा मतलब है कि ये कब्र अभी तक जिंदा है? जिंदा लोग आते हैं यहाँ इसकी निगहदाश्त करने के लिए। आओ कुछ दूर तक पैदल चलते हैं। तुम्हें यहाँ की पुरसकून जिंदगी अच्छी लगती है या शहर की मसरूफ जिंदगी? मैं जरूरत के मुताबिक हर जगह रह लेती हूँ। हर जगह की अपनी खूबियाँ और नाखूबियाँ होती हैं, जैसे कि हर उम्र के हिस्से में। तुम्हारा मतलब है कि उम्र के हर हिस्से में कुछ खूबियाँ होती हैं और कुछ खामियाँ होती हैं? जी बिल्कुल, कुछ खूबियाँ और कुछ नाखूबियाँ। अच्छा है, खूबियाँ नाखूबियाँ। तो कुछ हमें भी बताओ इनके बारे में। खूबियाँ या नाखूबियाँ, पहले नाखूबियाँ। ओके, बचपन में जवानी की लज्जत और वलवला नहीं होता। जवानी में दरमियानी उम्र की दस्तयाबी नहीं होती और दरमियानी उम्र में बड़ी उम्र के एक्सपीरियंसेस नहीं होते और बड़ी उम्र में मुस्तकबिल के ख्वाब नहीं होते। और खूबियाँ? खूबियाँ बचपन में बेफिक्री होती है, जवानी में जोश व वलवला होता है, दरमियानी उम्र में कबूलियत की सनद मिल जाती है और बड़ी उम्र में तो बहुत सी इज्जत, बहुत सा एहतराम मुफ्त में ही हासिल हो जाता है। और मोहब्बत, मोहब्बत कब होती है और कब नहीं होती? मोहब्बत तो हमेशा होती है, किसी भी उम्र में, किसी भी हाल में, किसी भी शक्ल में। मैं जवानी के बाद औरत और मर्द की मोहब्बत की बात कर रहा हूँ। हाँ, मर्द को औरत की और औरत को मर्द की ज़रूरत तो हमेशा रहती है और ये ऐन फितरी भी है, मगर हमारे यहाँ नौजवानों को इस काम में पागलपन की भी इजाज़त मिल जाती है। और अगर कहीं किसी आदमी की ज़रा सी उम्र निकल जाए तो उसे अकल व दानाई का मुतालबा किया जाता है। ये तवक्को की जाती है कि वो फरिश्तों की सी जिंदगी गुजारे। अनफेयर।
तुमने तलाश की है कभी मोहब्बत की? मोहब्बत कभी तलाश करने से नहीं मिलती, जिसको जरूरत होती है उसके पास खुद ही पहुंच जाती है। आपने मुझे याद किया। जी बाबा। फरमाए, मैं आपकी क्या खिदमत कर सकता हूँ? वो बस मैंने पूछना था कि यहाँ से कभी कभी मौसीकी की आवाज़ आती है, वो कहाँ से आती है? ये वहाँ लाइब्रेरी से। अच्छा, तो कौन सुनता है इस मौसीकी को? सरदार साहब सुनते हैं, और कौन सुनेगा? मैं आपसे एक और सवाल पूछना चाह रही थी। जी फरमाइए। ज़ीनिया, सरदार साहब की मरहूमा बेगम, उनके साथ हुआ क्या था? पहले तो हम लोगों का ख्याल था कि वो यहाँ से चली गई हैं और बहुत जल्द वापस आ जाएंगी। फिर क्या हुआ, 2 माह बाद दरिया से उनकी लाश मिली। 2 माह बाद? जी हाँ, सरदार साहब ने वहाँ पहुँच कर उनको पहचान लिया, फिर बीबी साहिबा को दफना कर यहाँ से वो चले गए। कहाँ? पता नहीं, सुना है कि शहर शहर घूमते फिरते रहते हैं, कभी कभार 2-4 दिन के लिए यहाँ आते हैं, हिसाब किताब करके और फिर चले जाते हैं। थैंक यू सो मच। आप चाहिए। तुम अभी तक यहाँ बैठी हो क्यों? इंतजार कर रही थी आपका।
इंतजार? व्हाट फॉर? डिनर। डिनर? क्या तुम्हारे यहां यह पाबंदी है कि मेजबान मेहमान के साथ खाना खाता है? नहीं, ऐसा तो नहीं है। तो फिर क्या है? मेरे मुताबिक मेहमान पाबंद है मेजबान का कि वो उसका इंतजार करे। शुक्रिया। अगर वो खाना खाकर जाना चुका हो या जाने से पहले ये कह गया हो कि वो खाने पर नहीं पहुंचेगा, तो क्या मैं जाने से पहले तुम्हें बताकर जाया करूं? नहीं, आप अपने अमले को इन्फॉर्म कीजिए जैसा आप हमेशा करते। शुक्रिया। तुम मेरा इंतजार मत किया करो। नहीं करूंगी। अगर मुझे ये खबर हो कि आप खाना खा चुके हैं या नहीं खाएंगे। मैं यहां किसी का पाबंद नहीं हूं। मगर मैं पाबंद हूं। तो ना रहो तुम पाबंद। ओके, अब मैं पाबंद नहीं रही। डियर सर, आज फिर मैंने उस कमरे से उसी तरह एक औरत के सिसकियां लेकर रोने की आवाज सुनी है। आवाज बहुत वाज़े थी। मुझे कोई सरदर्द वगैरह भी नहीं है, किसी और किस्म की चुभे की भी कोई गुंजाइश नहीं।
अपने पीने का पानी पौधों को दे रही हो? इन पौधों को जरूरत थी पानी की। कुछ ही दिनों में दरिया भरा था, थोड़ा इंतजार करती तो ये पौधे खुद सैराब हो जाते। मगर ये पौधे इंतजार नहीं कर सकते थे। अच्छा, क्यों? क्योंकि ये पौधे बहुत नाजुक हैं और शायद इसीलिए इन पर फूल भी बहुत खूबसूरत लगते हैं। और यूं तो बारिश होने पर दरिया भरेगा ना, तो जब बारिश हो जाएगी तो पौधों को दरिया के पानी की जरूरत नहीं रहेगी। मगर इतने से काम के लिए इतनी मुशक्कत। कुछ अच्छा करने के लिए कुर्बानी तो देनी पड़ती है ना। मगर इन पौधों को इतनी हिफाजत की जरूरत क्या है? क्योंकि ये कुदरत की खूबसूरती में इजाफा करते हैं। खूबसूरती क्या है? खूबसूरती तवाजुन है। और तवाजुन क्या है? तवाजुन पायदार मोहब्बत की बुनियाद है। तो मोहब्बत क्या है? मोहब्बत जिंदगी है, या फिर यूं कहिए कि जिंदगी की शरियानों में दौड़ती हुई तवानाई का नाम है मोहब्बत। और इस तवानाई के बगैर? इसके बगैर तो सब कुछ मुर्दा है। किसी तालाब के पानी की तरह। दरिया तालाब की जिद है क्या? झील, आबशारे, दरिया सब तालाब की जिद है। मगर आप दरिया से क्यों डरते हैं? मैं दरिया से नहीं डरता, दरिया के गैज़ो गज़ब से डरता हूं। जब ये चीखता है, चिंघाड़ता है, बिफरता है और गुस्से में आकर अपने ही किनारों को अपनी गोद में गिरा लेता है। हाँ, मगर सारा साल यही दरिया झूमता, लहराता, गुनगुनाता भी तो है। अपने बदन में पालकर हमें मछली फराहम करता है, अपने वजूद से सींच कर खेतों में हमारे लिए खुराक पैदा करता है। तो अगर चार दिन गुस्सा दिखा भी दे तो फिर क्या?
मिसेस मलिक कहाँ हैं? जी वो अपने कमरे में हैं, क्योंकि आज तबीयत कुछ खराब हो गई थी तो दवा खाकर लेटी हुई है। ठीक है, अगर किसी चीज की जरूरत हुई तो मैं तुम लोगों को बुला लूंगा। जाओ। तुम्हें सरदार पैलेस क्यों भेजा गया? हमारा अखबार आपका इंटरव्यू पब्लिश करना चाहता है। मगर क्यों? क्योंकि आपने अपनी बेगम की वफात के बाद से अब तक कुछ नहीं लिखा। तो जबकि आपके काफ़ी मज़ामीन अखबारात में वक्तन पर वक्तन छपते रहते थे और साल में एक नावल तो आ ही जाता था। मगर इंटरव्यू की इजाज़त तो मैंने नहीं दी थी। मगर यहाँ रहकर खोज करने की इजाज़त तो दी थी ना। तो फिर क्या खोजा है तुमने आज तक? कुछ खास नहीं, या शायद कुछ भी नहीं। क्यों? क्योंकि जो नजर आता है वो शायद है नहीं, और जो है वो नजर नहीं आता। तो क्या इंटरव्यू से वो नजर आ जाएगा जो है? उम्मीद तो काफी है। वैसे मैं तुम्हें इंटरव्यू दे सकता हूं। रियली? लेकिन एक शर्त है। जी वो क्या? वो ये कि तुम मुझसे शादी कर लो। So, what do you think about my offer? मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रही कि मैंने आखिर ये सुना क्या है। It's very simple. मैंने प्रपोज किया है तुम्हें, शादी की ऑफर की है तुम्हें। मगर मैं ऐसी लड़की नहीं हूं जिसे कोई भी मर्द शादी के लिए पसंद करे। क्यों? कैसी लड़की हो तुम? एक ऑर्डिनरी सी लोअर मिडिल क्लास वर्किंग गर्ल, एक जर्नलिस्ट। तो फिर क्या हुआ? मैं आपके माहौल के लायक नहीं।
ये मैं ज्यादा बेहतर समझता हूँ कि तुम मेरे माहौल के काबिल हो या नहीं। लेकिन अगर तुम समझती हो कि मैं तुम्हारे काबिल नहीं हूं तो तुम बेशक इनकार कर सकती हो, मैं बुरा नहीं मानूंगा। ऐसा कब कहा मैंने? मुझे किसी से मशवरा करना है। किससे? उस्मानी साहब से। उस्मानी साहब से? जी। और कितने साल लगेंगे तुम्हारे इस मशवरा जात में? मैं अभी चली जाती हूँ। और वापसी कब होगी? बहुत जल्द इंशाल्लाह। दोनों सूरतों में? दोनों सूरतों में। सरदार साहब, सारा सामान गाड़ी में रखवा दिया। ठीक। चलिए। मेरे ख्याल में तो वो एक माकूल आदमी है और संजीदा भी, इसलिए हमें उसकी ऑफर को भी संजीदगी से लेना चाहिए। लेकिन ये कैसे हो सकता है कि उसने इतने मुख्तसर वक्त में नफीसा को समझ भी लिया और शादी का फैसला भी कर लिया? मुझे तो मामला कुछ ठीक नहीं लग रहा। ये कुछ नहीं कहा जा सकता। ऐसे मामला में फैसले मुख्तलिफ हालात में मुख्तलिफ तरीके से किए जाते हैं। नफीसा, इस ऑफर से पहले उसने ऐसा कुछ कहा हो जो तुम्हें अच्छा नहीं लगा? सर, मैं समझी नहीं। मेरे कहने का मतलब है कि कोई ऐसी बात की हो जो तुम्हें बुरी लगी हो? नहीं सर, जैसे मैंने बताया कि हम लोग खाने की मेज पर बैठे थे और उन्होंने अचानक शादी की ऑफर कर दी। लेकिन इतनी हाई क्लास का एक आदमी लोअर मिडिल क्लास की एक गैर मारूफ लड़की को अचानक शादी की ऑफर कर दे, बात कुछ समझ में नहीं आती। क्लासेस का फर्क तो अपना रोल प्ले करता है ना सर। ओहो, एक बड़ी क्लास का आदमी इस फर्क को अगर थोड़ा सा कम करने की कोशिश कर रहा है तो उसमें नुकसान क्या है हमारा? हम हर मामले को शक की नजर से क्यों देखते हैं? तो फिर आप क्या कहते हैं सर? मेरे ख्याल में तो तुम्हें उसके ऑफर को कबूल कर लेना चाहिए। क्या? हाँ? आखिर फांस ही लिया ना उसने तुम्हें अपने जाल में। तुम शादी करना चाहो तो ठीक है, उन्होंने चाहा तो फंसा लिया। पहरेदार तो बिठा दिए हैं ना उसने अभी से तुम पर। वो ये उनके बॉडीगार्ड हैं, वो जब भी अपने स्टेट से बाहर जाते हैं उनके साथ उनके गार्ड होते हैं।
तो ये अब क्यों है तुम्हारे साथ? क्योंकि मैं उनकी गाड़ी लेकर आई हूं। अब्बा, आप क्या कहते हैं, मैं ये शादी कर लूं? मुझे और किसी की परवाह नहीं। प्रोग्राम तो तुम सारे पहले से पक्के करके आई हो, पूछने का तो सिर्फ एक नाम ही है। तुम अपने कारोबार की फिक्र करो, जिसे तुम मेरे प्रोफेशनल कॉन्टैक्ट से आगे बढ़ाना चाहते थे। मैं कहती थी ना कि वो सरदार पैलेस ना जाए, और वो चली गई। तुमने कहा सबर करो, मैंने किया। अब वो सरदार आफताब अली खान की बीवी बनने जा रही है, और तुम कहते हो मैं आराम से बैठूं। तो तुम कर भी क्या सकती हो इसके अलावा? बस कुछ भी हो, अब बर्दाश्त नहीं होता। तो क्या तुम चाहती थी सरदार आफताब अली खान की बीवी बनना? जी नहीं, बिल्कुल नहीं। और तुम ये बात अच्छी तरह जानते हो कि मैं क्या चाहती हूं। आपकी शख्सियत के इस पहलू से मैं तो बिल्कुल नावाकिफ थी। दिस इज अ रेवलेशन। वक्त सब कुछ बदल देता है, छीन लेता है सब कुछ कभी कभी, लेकिन कुछ तस्वीरें हैं मेरे पास, ख्वाहिशात की खुशबू में लिपटी हुई। कहाँ है वो? मेरे अंदर, अंदर है मेरे, लेकिन जिंदगी के मलबे के नीचे बहुत दूर दब चुकी हैं। उन्हें फिर से निकालने के लिए बहुत खोदना पड़ता है अपने आप को। ऐसा क्यों होता है, और वो भी आपके साथ? मैं तो सोच भी नहीं सकती थी कि... कितने खूबसूरत हैं ये लम्हे, कितने बेदाग। काश कोई इन लम्हों को कैद कर सकता।
काश मैं इन्हें परफ्यूम की तरह किसी बॉटल में कैद कर लेती, ना कभी ये मुरझाते ना मांद पड़ते, और जब मेरा जी चाहता बॉटल खोल के इन यादों को फिर से जी लेते। जानती हो, यादों की यही बोतलें कभी कभी आसेब और बदरूहों की शक्ल इख्तियार कर लेती, और फिर वो लपकती हैं, झपटती हैं इंसान पर, खास तौर पर उस वक्त जब वो पूरी शिद्दत से उन्हें भुलाने की कोशिश करता। Sorry, I'm really very sorry. मैंने आपको न जाने क्या याद दिला दिया। प्लीज मुझे माफ कर दीजिए। Yes. नहीं, इस वक्त नहीं। कहा ना, आज नहीं।